व्हाट्सअप गाइज एंड गर्ल्स, मैं हूँ नाइटमेयर जैनदास। तो दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे एक्सपेंड टू VHT के बारे में। दोस्तों एक्सपेंड टू VHT का मैंने एक और वीडियो बनाया, लेकिन एक और बार मैं क्यों बना रहा हूँ मैं बता देता हूँ। पहला वीडियो सिर्फ 5 मिनट का था, मैं प्रॉपर जानकारी नहीं दे पाया था क्योंकि उस टाइम मेरा कंप्यूटर में कुछ प्रॉब्लम था, इसलिए मैं प्रॉपर जानकारी नहीं दिया था। 5 मिनट का सिंपल सी वीडियो बना दिया था, लेकिन मैं बोला था कि शायद मैं पिछली बार ही बोला था कि मैं एक और वीडियो बनाऊंगा, काफी अच्छा सा बनाऊंगा। तो इस वीडियो में हम लोग एक्सपेंड टू VHT को देखेंगे और बात करेंगे कि क्या है। तो देखिए दोस्तों, एक्सपेंड टू जो VHT जैसे बताए, ये प्रोटूल 8 के साथ पहले में मिलता था, फिर बाद में उसके VHT निकल गया जैसे यूरोपा था, जैसे उस वीडियो में बोला था। ये तो सिंपल ही जानकारी हो गया, लेकिन दोस्तों ये एक सैंपल बेस्ड समझिए एक वर्चुअल इंस्ट्रूमेंट है। वर्चुअल इंस्ट्रूमेंट यानी कि इसमें रियल इंस्ट्रूमेंट का आवाज को वर्चुअली डाला गया, यानी कि अकोस्टिक इंस्ट्रूमेंट आपको काफी समय मिल जाएगा। एक्सपेंड टू में 2500 से भी ज्यादा प्रीसेट है, 2500 से भी ज्यादा समझिए साउंड है, बहुत सारा है, इतना है कि मतलब बिगनर्स के लिए काफी अच्छा है। सबसे अच्छा एक्सपेंड टू का कि ये 1.3 GB के आसपास है, बहुत ही कम साइज में। मैं डिस्क्रिप्शन में इसका ऑफिशियल साइट का लिंक डाल देता हूं, आप सिंपल इसको परचेस किए ट्रायल वर्जन यूज कर सकते हैं। मैं जो दिखा रहा जैसी बात है मेरे पास फुल वर्जन है। तो सिंपली मैं आप लोग तो बता देता हूं, एक एक्सपेंड VHT मेरा फेवरेट क्यों है। जब मैंने पहली बार इसको देखा था तो मैं खुद इतना क्यों पागल हो गया था। एक तो इसका साइज बहुत कम है, कॉन्टेक्ट लाइब्रेरी का आप लाइब्रेरी देखेंगे बहुत ज्यादा साइज का है, ओमनिस पे 50 GB का, नेक्सस देख लेंगे भी बहुत ज्यादा साइज का, बल्डन वर्जन 15 GB के आसपास मैं वीडियो बना दूंगा। लेकिन ये 1.3 GB में 2500 से भी ज्यादा साउंड दिया, सबसे इंपॉर्टेंट ये अकुस्टिक साउंड दिया, हम लोग उसी बारे में बात करेंगे। सो अकोस्टिक साउंड यानी कि रियल वाइब्रेशन से आवाज निकाला हुआ, यानी कि गिटार हो गया, पियानो हो गया, पियानो के अंदर जो वायर होता है, गिटार हो गया, वो इसको बोलते हैं अकोस्टिक साउंड। या फिर आप समझ लीजिए फ्लूट हो गया, ये सब अकोस्टिक होगा। लेकिन EDM हो गया यानी इलेक्ट्रॉनिक म्यूजिक, जो कि साइन वेव सॉ वेव सब बनता है, ये सब हो गया एक तरह का मतलब सिंथेटाइजर से बना हुआ, ठीक है ना, वो सबका अकोस्टिक नहीं कहा जाएगा, समझ लीजिए सबका इलेक्ट्रॉनिक म्यूजिक कहा जाएगा। तो अगर आप लोग देखेंगे कैटेगरी करेंगे तो सिंपल यहाँ पर बहुत सारा कैटेगरी, टोटल 27 कैटेगरी है, ठीक है ना, और 2500 से भी ज्यादा प्रीसेट है, जैसे पैड्स वगैरह है, और मतलब बहुत सारे इसमें है। सो एक्सपेंड टू VHT मतलब मुझे इतना अच्छा इसलिए लगता है क्योंकि देखिए सिंपल आप लोग क्लिक करेंगे कहीं पर भी, जैसे बेल्स बहुत क्विक लोड हुआ पहला बात, एकदम रियल इंस्ट्रूमेंट का आवाज में, ठीक है ना। अगर आप लोग देखेंगे पियानो, चलिए यहाँ से क्लिक करते हैं, सब बहुत सारा है। ऑर्गन आप लोग दिखा देता हूँ, तो इसमें ज्यादातर आप लोग अकोस्टिक मिल जाएगा, बहुत सारा कुछ इलेक्ट्रॉनिक भी म्यूजिक मिल जाएगा। सबसे इंपॉर्टेंट अगर आप लोग देखेंगे लूप्स में, तो आप लोग को बहुत सारा साउंड देखिए लूप्स में भी मिल जाएगा। वन पॉइंट थ्री जीबी में देखिए कितना कुछ है, ठीक है। अगर आप लोग देखेंगे स्ट्रिंग्स, कुछ और ट्राई करते हैं, रियल इंस्ट्रूमेंट का, ठीक है ना। बहुत सारा आप लोग रियल ऐसा मिल जाएगा जो समझ लीजिए कि आप लोग अलग से खरीदना पड़ेगा, तो ये काम ये बहुत अच्छे से कर देगा। जैसे सबसे पहले मैं आप लोग को पहले अकुश्टी कुछ पियानो दिखाऊंगा, जैसे ग्रैंड पियानो, ठीक है। अब आप लोग ये देखिए गिटार, नायलॉन गिटार, थैंक यू।
वाह, देखिए कितना तुरंत गिटार बन गया। तो टोटल आप लोग यहाँ पर चार चार पैच है, चार चार आप लोग कोई भी साउंड का डाल सकते हैं, खुद से किसी भी तरह का आप लोग साउंड को डिजाइन कर सकते हैं, जैसे फ्लूट यहाँ डाल सकते हैं। तो बाप रे, कुछ ज्यादा साउंड है, फ्लूट का मैं कम कर देता हूँ। कुछ ज्यादा फ्लूट का कम हो गया। लेयरिंग कर सकते हैं, जैसे बता आप लोग के पास ऑक्टिव अप डाउन के भी, आप लोग कुछ ऑक्टिव को आप या डाउन भी कर सकते हैं, ठीक है, जिस तरह का मन हो, ठीक है। और सिंपल एफएक्स है, रिवर वगैरह, यहाँ से आप लोग एफएक्स में सेंड कर सकते हैं कितना आप लोग का रिवर चाहिए। एफएक्स 2 को ऑन ऑफ यहाँ करने का है, तो आर्क मोड है, फिर और भी चीज़ें जैसे डिपेंड करता है LFO वगैरह, ठीक है ना। और सिंपल अगर हम लोग देखें तो इजी मोड में देखेंगे तो नॉर्मल ADS आ रहा है, और फ्रीक्वेंसी को कट ऑफ करने के लिए लो पास में, ठीक है ना, हाई पास, लो पास जिस तरह का है, ठीक है ना, हाँ लो पास में है ये, ठीक है ना। फाइन ट्यून, यहाँ नेम है, और टोटल AB सेक्शन का क्या क्या चेंज करना है, एक आप लोग का किस तरह से रखना है, कट ऑफ, EQ वगैरह, वो सब कंट्रोल करने का दिया हुआ है। तो बहुत ही सिंपल मगर बहुत ही असरदार समझ लीजिए वर्चुअल इंस्ट्रूमेंट है, और मैं मजाक नहीं करता, मैं इसको हमेशा यूज़ करता हूँ। कौन सा ऐसी चीज़ है जिसमें मैं इसको यूज़ नहीं करता, मुझे बहुत अच्छा लगा है। और ये अगर हम लोग चलिए कुछ डिफरेंट, मैं आप लोग का साउंड सुनाता हूँ, तो मैं आप लोग को प्रीसेट सुनाने नहीं बैठा हूँ। प्रीसेट तो चलिए आप लोग जितना क्लिक करेंगे मिल जाएगा, हाँ अच्छा कुछ क्वायर में क्लिक करते हैं, वो वोकल कुछ क्वायर, मेल क्वायर ई करके, ठीक है। क्वायर, ठीक है, फीमेल क्वायर भी आप लोग को मिल जाएगा, ई पियानो भी मिल जाएगा। चलिए कुछ ई पियानो ट्राई करते हैं, ई पियानो, ई पियानो का है, कुछ DX का भी मैंने कल आवाज देखा था, मैंने फिर से कुछ अर्चुरिया में यह साउंड सुना था, ऐसा लग रहा है DX से आ रहा है, DX7 से, ठीक है। सो बहुत कुछ है आप लोग के पास, प्रिकशन भी है, ड्रम्स, जो चीज मांगेंगे। ड्रम किट, कुछ प्रिकशन वगैरह भी है चाहे तो आप लोग, ऑर्केस्ट्रा, स्नेयर, अब देखिए अगर आप लोग इंडिया के यूजर हो तो आप लोग की चीज बहुत अच्छा लगेगा, मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगा था। यहाँ एक इंडियन इंस्ट्रूमेंट भी आप लोग को सितार मिल जाएगा, मैं यहां से दिखाता हूँ कि पता चलेगा आप लोग कहाँ जाना है। अगर आप लोग जाएंगे तो सितार, 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 ये रहा, ये सितार का वजह, क्लासिकल इंडियन कोई भी गाना में देखेंगे, ठीक है। सो यहां दिखाने के लिए बहुत कुछ है, ब्राइट पैड, सॉफ्ट पैड, कोई अगर हॉरर मुझे म्यूजिक बनाना है तो देखिए, तो यही एक्सपेंड टू VST का अच्छा, जो पिछली बार मैंने 5 मिनट के अंदर नहीं बता पाया था क्योंकि मेरा कंप्यूटर प्रॉब्लम था, अब मैं बता दिया, सब कुछ समझा भी दिया किस तरह की चीज़ है। ABCD का 4 लेयर का ऑप्शन दिया हुआ है, यहाँ लेवल भी दिया हुआ है आप लोग को कितना वॉल्यूम में करना है, पैन, एफएक्स में सेंड करना, और यहाँ जो सिर्फ फ्रंट पैनल में दिख रहा है यही है, कुछ ये नहीं, आप लोग खुद से प्रीसेट सेव भी कर सकते हैं। सो म्यूजिक एयर का एक्सपेंड टू VST काफी अच्छा है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, और कोई सवाल होगा तो मैं कमेंट सेक्शन में जाना चाहूंगा। अगला वीडियो मिलता है दोस्तों, तब तक के लिए बाय बाय, मैं बोलूंगा प्लेलिस्ट जरूर चेक कर लीजिएगा, वर्चुअल इंस्ट्रूमेंट या कॉन्टैक्ट लाइब्रेरी, नेक्सस वगैरह सबका प्लेलिस्ट बना हुआ जहां मैं इन लोगों को इन्फॉर्मेशन देता हूँ, तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएगा कोई सवाल होगा, तब तक के लिए बाय बाय।